हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द बी फार्म स्टूडेंट्स। सो कैन अ बी फार्म स्टूडेंट बिकम अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट? क्या बी फार्म स्टूडेंट्स क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं येस, तो हाउ, कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस? एंड अगर नहीं बन सकते तो क्यों नहीं बन सकते, एंड क्या और दूसरे तरीके हैं जिससे कि वो बन सकते हैं? अब मैंने जितने भी अभी जॉब्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाए उन सभी में बताया हो कि क्लिनिकल रिसर्च या फिर क्लिनिकल सेक्टर को लेकर सब आगे जाओ, राइट? तो बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे हैं जहाँ से कि क्लिनिकल सेक्टर में एंट्री कैसे ले, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैसे हम लोग जा सकते हैं, बन सकते हैं। तो स्पेशली बी फार्म स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं क्योंकि ये हमारे कॉलेजेस क्लासेस में तो बताया हम लोगों को बिल्कुल नहीं जाता। सबसे पहले आपने बी फार्म कंप्लीट किया है, बी फार्म एक कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ फार्मेसी, राइट? इस कोर्स के अंदर ऐसे कुछ नहीं है जो नहीं है फार्मेसी के अंदर। इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ऐसे कुछ भी नहीं है जो हमारे कोर्स में नहीं है। अब देखो, कोई भी छोटा सा भी एक टॉपिक है तो उसका मतलब है कि हम लोगों का स्कोप है, उसमें हम लोग उसमें जा सकते हैं, तभी उस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, राइट? तो बी फार्म, मैं यहाँ पे सिंपल स्टेट कार्ड बात करूँगा कैसे आप लोग एंट्री ले सकते हो। आपने बी फार्म कंप्लीट किया, आपको एम फार्म नहीं करना है, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे मैं दो सेक्टर में बात करूँगा, एक तो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल और एक है क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, क्लिनिकल सैस, इन सारे टाइप का जॉब। दो डिवीजन है, क्लिनिकल मतलब होता है यहाँ पे, एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट वही होते हैं जो पर्टिकुलर किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में रहते हैं इन द पोस्ट की क्लिनिकल फार्मासिस्ट। उनका काम रहता है क्लिनिकल डेवलपमेंट करना, क्लिनिकल काउंसलिंग करना, क्लिनिकल बेस्ड उनका ट्रीटमेंट करना या क्लिनिकल मेथोडोलॉजी को लेकर आगे जाना, ड्रग डेवलपमेंट करना, इन सारे जो चीज़ें हैं ये करना होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम। द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फार्मासिस्ट एंड ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, राइट? डिफरेंट पोस्ट होते हैं, हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं है, कुछ ही हॉस्पिटल्स होंगे इंडिया में जहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के कोर्स है, बट जहाँ पे है उनका ड्यूटी यही है। फार्म डी स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं ये जॉब, अदरवाइज अभी फार्मेसी प्रैक्टिस एम फार्म इनको भी मिलते हैं, ये डिफरेंट जॉब्स है। ये जॉब्स बी फार्म के बाद पॉसिबल नहीं है, आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं हो, ये सिर्फ फार्म डी स्टूडेंट्स के ही लिए ही है। वही बनते हैं एज ए क्लिनिकल डॉक्टर, उनको बोला जाता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फिर क्लिनिकल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके लिए आपको बी फार्म के बाद फार्म डी पी भी करने होंगे, तब आप जा सकते हो। लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे वीडियोस पे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेरा मतलब वही होता है क्लिनिकल सेक्टर में जाना, ना कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना, ठीक है? वहाँ पे होता है हमारा क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामिंग। ये जो सेक्टर्स हैं इनमें डेफिनेटली आपका जॉब्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे आफ्टर बी फार्म कर रहे हैं ये जॉब, राइट? कोई कोई तो ऐसा भी है जिसमें आफ्टर बी एस सी एम एस सी भी करते हैं, लेकिन बी फार्म स्टूडेंट्स आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन आई कैन से इन फार्मेसी सेक्टर, जो जा सकते हैं इनमें। ऑफकोर्स एम फार्म या फिर मास्टर्स होंगे तो डेफिनेटली, तो वो तो अलग बात हो गया, लेकिन बी एस सी एम एस सी या फिर कोई भी अदर बैचलर्स कोर्स से बी फार्म 10 times बेटर है, क्योंकि उनके पास ही वो नॉलेज है अबाउट क्लिनिकल ट्रायल, अबाउट द फार्माकोविजिलेंस, अबाउट ड्रग सेफ्टी, अबाउट एनीथिंग लाइक फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी पैरामीटर्स, एवरीथिंग, राइट? तो सभी जा सकते हो आप लोग। कैसे जा सकते हो? तो जॉब मिलने के लिए देखो, कोई पर्टिकुलर तरीका तो नहीं होता जॉब मिलने के लिए, आपको सिंपली अप्लाई करते जाना है। 100 companies, 200 companies, जितना हो सके अप्लाई करते जाओ कंपनीज में, वैकेंसीज जहाँ पे निकलते हैं, यू नो, डिफरेंट तरीके से, वो लिंक्डइन से हो, नौकरी से हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट से हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से पता चले, या फिर रेफरेंस से डायरेक्ट मेल करके पता चले, किसी भी तरीके से हो, आपको अप्लाई करते जाना है, आपको पेशेंटली अप्लाई करते जाना है, तभी जाके हो सकता है आपको जॉब्स मिले। क्योंकि जॉब्स है लेकिन स्टूडेंट उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो हर साल पास होते हैं बी फार्म, आप जानते होंगे, आइडिया लगा सकते हो, उतना जॉब्स नहीं है इंडिया में। तो एक पोस्ट के लिए 100 people अप्लाई करेंगे एट अ मोमेंट, तो 100 में से 100 को तो मिलेगा नहीं, है ना? लेकिन आपको उसमें नहीं मिला तो किसी दूसरे को तो मिल ही जाएगा, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में, कोई दूसरे कंपनी में आपको भी मिल जाएगा जहाँ पे किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसे ही चलता है साइकिल ऑफ जॉब्स। तो आपको अप्लाई करते जाना है, एंड इन एडिशन या फिर वैल्यू एडेड कोर्स आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया मान लो आपने SAS प्रोग्रामिंग में, तभी जाके आपको प्रोग्रामिंग SAS के जॉब्स मिलेंगे, क्योंकि SAS के जॉब बहुत लोग प्रेफर करते हैं। अब SAS आपको आप जानते ही नहीं हो SAS क्या है, तो आपको कैसे जॉब मिलेगा? CDM का कोई कोर्स कर लिया, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मिनिमम नॉलेज तो आपके पास हो, इतना एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास बी फार्म करने के बाद हमारे करिकुलम में जो भी हो, हम लोग को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, CDM के बारे में थोड़ी हम लोग को पता होता है आफ्टर बी फार्म, तो इसीलिए
कोई वैल्यूएटेड कोर्स कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, बट पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च में करना बेटर है क्योंकि ओवरऑल वहाँ पे आपको सारा कुछ सिखा देंगे। तो उसके बाद आप कोई भी टाइप के जॉब पे जा सकते हो क्योंकि आपके पास सारे टाइप का कोर्स उस पर ऐड हो गए। एक पीजी डिप्लोमा करना और एक सर्टिफिकेट कोर्स करना सैस प्रोग्राम में या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट पे, तो पर्टिकुलरली अब मैं वही प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, वही लैंग्वेज सीख लिया मैंने, तो उस पर जॉब मिलना ईजी होता है। मेडिकल कोडिंग में कर लिया तो कोडिंग में जा सकता हूँ मैं, राइट। इनमें डेफिनेटली जा सकता हूँ हम लोग, लेकिन आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन द मेन हॉस्पिटल पे वो नहीं बन सकते, उसके लिए आपको फार्म डी पे भी करने होंगे। फार्म डी पे भी क्या है, 3 साल का कोर्स है जिसके लिए बी फार्म स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। अगर आपके आपको इसके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहिए फार्म डी पी पी के बारे में, कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। जैसे कि मैंने कहा, अप्लाई करते जाओ, जॉब तो मिल ही जाएंगे एंड एलिजिबल तो आप लोग डेफिनेटली हो आफ्टर बी फार्म। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।